जहर की बोतल से एक चम्मच जहर निकालकर गिलास में डालते ही राकेश ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेर दी। इस मुस्कान के अंदर छिपे भयानक रूप को कोई समझ नहीं पाएगा। समीरा को पाने के लिए उसे ऐसा करना ही होगा, वो समझ चुका था। धीरे से राकेश दूध का ग्लास लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। राकेश इस बात से अनजान नहीं है कि अधीरा इस समय ऑफिस की फाइलों में व्यस्त है। राकेश की अधीरा के साथ शादी काफी शानदार रही। उसे शादी से पहले सिर्फ एक बार लड़की को देखने का मौका मिला था और पहली नजर में ही उसने अपने दिल का पूरा हिस्सा अधीरा को दे दिया था। अधीरा भी उसे पसंद करती थी। राकेश एक हैंडसम आदमी होने के साथ साथ एक हाई पेड सरकारी अधिकारी भी है। शादी के बाद दोनों के बीच खुशियों की कमी नहीं रही। यहाँ तक कि अधीरा ने भी राकेश को खुश रखने की पूरी कोशिश की। इसलिए शादी के 6 महीने पूरे होने पर जब अधीरा अपने पति को नौकरी की बात करते ही राकेश मना नहीं कर सका, इसलिए राकेश अधीरा से छुपकर अनगिनत लड़कियों से संबंध बनाकर उन्हें रूम डेट पर ले गया है। लेकिन खुद को अधीरा के सामने इस तरह पेश करता है कि लगता है कि इस दुनिया में उसके जैसा कोई मासूम प्राणी है ही नहीं। और अधीरा भी काफी मूर्ख सी है। वो अभी भी नहीं समझती कि राकेश अनगिनत लड़कियों के साथ उसकी अनुपस्थिति में संबंध बना रहा है। हाल ही में समीरा राकेश पर अधीरा के साथ संबंध तोड़ने और उसे अपनी पत्नी के रूप में घर लाने का दबाव डाल रही है। लेकिन समीरा के लिए ये कहना जितना आसान है, राकेश के लिए ये कहना उससे कहीं ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि तलाक के मामले में कम से कम एक सहायक की आवश्यकता होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अधीरा बहुत नरम दिल की लड़की है और शादी के बाद राकेश की किसी भी मुद्दे पर उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। राकेश ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया और अपने बेडरूम में प्रवेश किया। वो कंप्यूटर के सामने बैठकर मन लगाकर काम कर रही है। अपने पति को दूध का ग्लास लेकर सामने खड़े देखकर अधीरा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राकेश की आदत हो गई है कि वो अपनी पत्नी को ऐसे ही खाना खिलाता है। अधीरा मुस्कुराई और दूध का ग्लास हाथ में लेकर बोली, क्या बात है, हाल ही में मैंने देखा है कि मेरे लिए तुम्हारी परवाह बहुत बढ़ गई है। तो उसने तुरंत अपने चेहरे को ठीक करके कहा, क्या पति के लिए अपनी पत्नी की देखभाल करना इतना अजीब लगता है, तुम पहले थोड़ा दूध पी लो। अधीरा ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, अभी नहीं, पहले रात का खाना खा लेते हैं फिर पीती हूँ। आज मैंने आपके मन पसंद का भुना खिचड़ी और चिकन पकाया है, टेबल पर आओ, दोनों एक साथ खाना खाएंगे। अधीरा की बातों से राकेश की आंखें चमक उठी, लेकिन वो उसे और दूध पीने के लिए मजबूर नहीं कर सका। फिर भी मन ही मन कहता है, आज मैं तुम्हें वैसे भी जहर दे दूंगा। अधीरा राकेश के सामने खाने की टेबल पर गर्मा गर्म खिचड़ी और चिकन लेकर बैठी। वो राकेश की थाली में खिचड़ी और चिकन डालती है, लेकिन खुद कुछ खा नहीं रही। अनजाने में राकेश ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम नहीं खाओगी? अधीरा फिर मुस्कुराई और बोली, मैं बाद में खाऊंगी, अब तुम खाओ। ऐसा लगता है कि सूजन धीरे धीरे तीव्र होती जा रही है। इसे सहन करने में असमर्थ राकेश चिल्लाया और अधीरा को बुलाया, लेकिन अधीरा ने किचन से कोई जवाब नहीं दिया। एक समय राकेश के मुंह से सफेद झाग निकला और वो दर्द सहन नहीं कर सका और फर्श पर गिर गया। आधे घंटे बाद अधीरा राकेश के मृत शरीर के ठीक बगल में बैठी है, जहां उसे अपने पति के खोने का गम होना चाहिए, पर वो जैसे चुपचाप बैठी है। वो जानती है कि कैसे राकेश के मृत शरीर को सबके सामने दिल का दौरा साबित करना होगा। अधीरा ने टेबल से फोन लिया और दिलीप को फोन किया। वो इस लड़के को सिर्फ 2 महीने से नहीं बल्कि लंबे समय से जानती है। दिलीप और अधीरा एक ही ऑफिस में काम करते हैं और यहीं से उनके बीच प्रेम कहानी शुरू हुई। और राकेश को मारने का प्लान उन्हें खुद दिलीप ने दिया था, क्योंकि अगर राकेश को किसी भी तरह से दुनिया से हटाया जा सकता है तो अधीरा को अधिकांश संपत्ति का हिस्सा मिलेगा, और तो और सरकारी भत्ता जो मिलेगा वो अलग से। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करते ही दिलीप ने बहुत उत्सुक स्वर में पूछा, क्या तुमने सब कुछ ठीक से किया? हाँ, अब उसका शव बिस्तर पर पड़ा है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने कहा वैसे ही करो, ताकि तुम पर कोई शक की गुंजाइश ना रहे। ठीक है। फोन काटते ही अधीरा की नजर टेबल पर रखे दूध के ग्लास पर जाती है। उसी समय उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हालांकि इस बात से इनकार करने का कोई कारण नहीं है कि राकेश अपनी शादी के बाद से इतने दिनों तक सबसे अच्छे पतियों में से एक की भूमिका में रहे हैं। धीरे धीरे वो ग्लास की ओर बढ़ी और उसे पकड़ लिया।
हालांकि वो अपने पति की हत्यारन है, लेकिन वो इस समय दूध का ये गिलास पीकर राकेश की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती थी। अधीरा बिस्तर में बैठकर पेट दर्द से कराह रही है और थोड़ी देर बाद उसके मुंह से खून निकलने लगा। बगल में रखे घड़े से पानी पीने से उसके पेट का दर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा। एक तरफ समीरा राकेश के नंबर पर कॉल कर रही है तो दूसरी तरफ दिलीप अधीरा के नंबर पर कॉल कर रहा है, लेकिन दुख की बात ये है कि दूसरी तरफ से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अगले दिन राकेश के घर में रिपोर्टर और मीडिया वालों ने कुछ और ही कहानी सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पारिवारिक कलेश के चलते पति की हत्या करने के बाद पत्नी ने खुद को जहर देकर आत्महत्या कर ली, पर वो दोनों नहीं जानते थे कि वो दोनों ही एक दूसरे के षड्यंत्र का शिकार बने हैं। अब वो दोनों ही नर्क रास्ते सफर कर रहे हैं और ये तो होना ही था।